तो गाइस क्या आपको ऐसा बूट स्क्रीन चाहिए विंडोज 11 में जिसमें आप खुद का फोटो चेंज करके दूसरा फोटो लगा सकते हो? वेल गाइस आज के इस वीडियो में मैं यही सिखाने वाला हूँ, लेकिन ये वीडियो ट्यूटोरियल तभी फॉलो करना जब आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज पता हो, जैसे कि कंप्यूटर के फाइल्स को कैसे बैकअप करते हैं, या कभी कभी हमें कंप्यूटर फॉर्मेट मारना पड़ता है और विंडोज़ को रीइंस्टॉल भी करना पड़ता है, क्योंकि आपको भी पता है कि कभी कभी चीज़ें हमारी मर्जी से नहीं चलती और बेसिक नॉलेज होना कोई बुरी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तभी आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल फॉलो करना है। और साथ में ही आपको ये भी बताऊंगा कि इन फ्यूचर अगर आपको वापस से पुराना विंडोज़ का डिफॉल्ट लोगो लाना है तो उसे कैसे लेके आए, नहीं तो आप हमेशा की तरह यही कहोगे कि टेक राइफल भैया ने हमें ये नहीं बताया। और हाँ गाइस, इस प्रोसेस को भी आप फॉलो कर सकते हो विंडोज 10 का बूट लोगो चेंज करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको सर्च पे जाना है और यहाँ पे सर्च इन्फॉर्मेशन टाइप करके प्रोग्राम को ओपन कर लेना है। अब बस यहाँ पे आपको ना बायोस मोड में चेक करना है कि आपका जो बायोस मोड है वो UEFI वहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं। अगर आप विंडोज 10 यूज़ कर रहे हो सकता है कि यहाँ पे आपका लेगेसी लिखा हो। तो अगर आपका यहाँ पे लेगेसी लिखा हुआ है तो प्लीज़ इस प्रोसेस को मत फॉलो करना, आपका पीसी बंद भी हो सकता है, फिर आपको वापस से विंडोज 10 इंस्टॉल करना होगा सब कुछ ठीक करने के लिए। और हाँ, अगर आपके विंडोज 10 में यहाँ पे UEFI लिखा है तो आप इस वीडियो को आगे देखिए, क्योंकि आप आसानी से अपने बूट स्क्रीन का लोगो चेंज कर सकते हैं। विंडोज 11 में तो नॉर्मली 101% यहाँ पे UEFI लिखा ही होगा। एक बार सब कंफर्म हो जाने के बाद गाइज अब आपको रिस्टार्ट करना होगा अपने विंडोज को, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आपको शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना होगा और फिर रिस्टार्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ये चीज़ कर लोगे ना, यहाँ पे आपको प्लीज़ वेट का एक मैसेज देखने को मिलेगा और फिर यहाँ पे आपको एक ब्लू स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको क्या करना है कि ट्रबल शूट पे क्लिक करना है, फिर एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको UEFI फर्मवेयर सेटिंग्स पे क्लिक करना है और बस रिस्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना होगा। रिस्टार्ट हो जाने के बाद गाइज यहाँ पे आपको एक अलग ही यूनिवर्स देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका जो बायोस सेटिंग ओपन हो जाएगा। अब बायोस सेटिंग मेरे पीसी में आप ऐसा देख सकते हो, लेकिन आपके पीसी में कुछ अलग डिज़ाइन का होगा। तो आपको ना बस क्या करना है कि सिक्योर बूट को ढूंढना है। मेरे केस में मेरा जो सिक्योर बूट है वो सिक्योरिटी टैब में है, तो यहाँ पे मैं सिक्योरिटी टैब में जाता हूँ और यहाँ पे सिक्योर बूट को ओपन कर लेता हूँ और बस मुझे इसे डिसेबल करना होगा। अब गाइज आपके भी कंप्यूटर में आपको सिक्योर बूट डिसेबल करना होगा, क्योंकि ये चीज़ मेन है और ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो यहाँ पे मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। डिसेबल करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि सेव कर लेना है हमें और फिर बस पीसी को रिस्टार्ट मारना है। अब गाइज यहाँ पे हमने सारा इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो कर लिया है। अब सिर्फ एक ही काम बचा है और वो है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि आपको और भी ऑसम ऐसे वीडियोस देखने को मिले। ब्राउज़र को ओपन कर लो और यहाँ पे आपको इस फाइल को डाउनलोड करना होगा। फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद अब आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो मैंने इसे डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है पहले से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस इमेज को चेंज करना है और साथ में गाइस आपको जो लोगो रखना है ना, उस लोगो को भी आप रेडी रखिए। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेस्कटॉप पे आप देख सकते हो कि मेरा जो लोगो है वो ऑलरेडी रेडी है, तो इसे मैं सेट करने वाला हूँ। MS पेंट में ओपन कर लेने के बाद अब इस लोगो का साइज हमें चेंज करना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि जो मेरा लोगो है काफ़ी बड़ा है, तो इसे मैं रिसाइज करने वाला हूँ 200x200 में। आपको भी मेक श्योर करना है कि आप जो भी लोगो यूज़ करें वो छोटा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपको पेंट में देखने को मिल जाता है। रिसाइज कर लेने के बाद गाइस अब इस फोटो को मैं डिलीट करने वाला हूँ सबसे पहले तो, और इसे भी मैं रिसाइज करने वाला हूँ 200x200 में, क्योंकि मेरा जो लोगो है वो उसी साइज़ का है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अपने लोगो को Ctrl+Ctrl+C प्रेस करूँगा, मतलब इसे सेलेक्ट और करके कॉपी करने वाला हूँ और फिर वापस से इस पेंट में जाऊँगा और यहाँ पे Ctrl+V प्रेस कर दूँगा। तो यहाँ पे मेरा लोगो फाइनली प्लेस हो चुका है पेंट में सक्सेसफुली। अब मैं इसे सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद सारा काम हो चुका है। अब बेसिकली हमें एक सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है और वो है कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्रोग्राम है सेटअप लिखा हुआ है इस पे। इसको आपको सेकंड क्लिक करना है और रन एस एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि कमांड प्रोमोट हमारा जो है वो ओपन हो जाएगा। आपको बस आई बटन को प्रेस करना है। अब यहाँ पे हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो हो रहा है। नोटपैड को हमें क्लोज कर देना है और यहाँ पे जो लोगो वापस से MS पेंट में ओपन हो जाएगा उसे भी क्लोज कर देना है। वेल, यहाँ पे हमने सक्सेसफुली लोगो को इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे अपना पीसी को रिस्टार्ट मार के दिखाता हूँ, मतलब अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट मार के दिखाता हूँ। तो इस प्रोसेस को आप विंडोज 10, विंडोज 11 दोनों में फॉलो कर सकते हो। लेकिन गाइज अभी तक वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पे तो हमने सक्सेसफुली प्लेस कर दिया अपने लोगो को। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको वापस से डिफ़ॉल्ट लोगो वापस लाना है विंडोज़ का जो आपका पहले था, तो उसे कैसे लाएं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको वापस से उसी फोल्डर में जाना है जो आपने डाउनलोड किया था फाइल को, और आपको वापस से सेटअप को रन एस एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करके ओपन करना होगा।
ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पे वापस से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आर बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप आर बटन को प्रेस करते हो ना, सारा फाइल अनइंस्टॉल हो जाएगा। अब बस आपको क्या करना है कि अपने विंडोज़ को रिस्टार्ट करके देखना है वापस से। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा पुराना लोगो था वो वापस देखने को मिल रहा है यहाँ पे हमें। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको इस वीडियो को देख के मज़ा आया होगा, मतलब कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी तरीके के और भी ऑसम कंटेंट्स के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना है और लाइक करके कमेंट भी कर दो। चलो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।